नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार देसाई साहब। नमस्कार सर। नमस्कार अजय जी। नमस्कार विजय कपूर जी। नमस्कार मनीषा जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं सर? सर बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप लोगों की दुआ है। मैं यही देख रहा हूँ कि आज ये सुबह का समय भी सूट नहीं कर रहा क्या लोगों को? कितना टाइम चेंज किया मैंने। हाँ। आज भी बहुत से लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। हाँ टाइम तो हो गया। हाँ टाइम हो गया है। सैटरडे का शाम का रखा था वो नहीं सूट किया, उसके बाद संडे का भी रखा है ये भी टाइम सूट नहीं कर रहा। तो एक टाइम रख लेना चाहिए हम लोगों को, कब रखा जाए ताकि सब लोग अटेंड कर सकें। दिन के अलावा सर कुछ भी चलेगा ना, आफ्टर 7:30 सब लोग आ जाते हैं वर्क प्लेस से। हाँ या सैटरडे लेट इवनिंग भी चल सकता है। हाँ कपूर साहब आपको सूट करता है? आपकी आवाज म्यूट है। नहीं, वो जो आपने 4:30 करा था ना पहले का, थोड़ा हाँ वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अदरवाइज 7:30 या जो पहले ओरिजिनली रखा था 7:30 वो परफेक्ट था। परफेक्ट है। हाँ क्योंकि उस वक्त क्या है ना सर, अगर किसी ने कहीं बाहर भी जाना हो मान लिया जाए वीकेंड पे, तो भी कोई 8:30 के बाद ही जाता है। मतलब वो जो टाइम है ना 7 से 7:30, 8 से 8:30 तक का टाइम, वो बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा तो ठीक है, ऐसे ही करा करेंगे। नेक्स्ट टाइम से सैटरडे को 7 पीएम पे क्लास रख लेंगे। जी वो ठीक रहेगा। हाँ वो ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या करें, मतलब आज स्टूडेंट्स तो आए नहीं है आज कोई भी। तो कोई बात नहीं सर, हम ऐसे करते हैं ना, आज थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, कुछ अष्टक वर्ग के बारे में थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें, कुछ ऐसे जनरल क्लास कर लेते हैं। थोड़ा जनरल सा कुछ बता दीजिए। अच्छा हाँ जनरल सा ही कुछ कर लेते हैं आज, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से क्लास एक बार सारे लोग हो ना, सभी को स्टार्ट हो तो अच्छा लगता है। हाँ तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम से भी लोग नहीं जुड़ते हैं तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नेक्स्ट टाइम से तो फिर जो आए ना आए, ठीक है, नहीं तो कर देंगे 7 बजे, क्योंकि सब लोगों ने, काफी लोगों ने एनरोल करा रखा है और आए नहीं है, तो वही मैं देख रहा हूँ उसके अंदर। लेकिन मुझे क्या लगता है सर, ये संडे को सुबह सुबह उठने वाला की थोड़ी सी दिक्कत है सबको। अर्ली टाइम हो गया थोड़ा सा बस ये। अभी सब लोग बड़े हो गए ना, तो दिक्कत क्या है, वो स्कूल में तो हैबिट थी उठने की। ये तो है। चलिए अष्टक वर्ग, हम थोड़ा अष्टक वर्ग जो है, मैं जैसे पहले भी मैंने जब हमारी इंट्रोडक्शन मीट हुई थी, पहले तो एक इंट्रोडक्शन मीट में कुछ आज नए मेंबर भी हैं हमारे साथ। देसाई साहब हैं, ये तो हमारे पुराने ग्रुप के हैं जो चल रहा है, हमारा एस्ट्रोलॉजी का ग्रुप चल रहा है। साथ में अजय शर्मा जी हैं, ये भी पहले इसके एस्ट्रोलॉजी ग्रुप के सदस्य रह चुके हैं, मेंबर रह चुके हैं, इन्होंने दोबारा अष्टक वर्ग ज्वाइन किया है। साथ में मनीषा शर्मा जी हैं, इन्होंने भी, ये भी अष्टक वर्ग एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स रह चुकी हैं, इन्होंने भी दोबारा से ज्वाइन किया है अष्टक वर्ग। विजय कपूर साहब हैं, इन्होंने भी ज्वाइन किया है दोबारा से, ये भी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट रह चुके हैं। और 5-6 लोग और हैं लेकिन वो बाई चांस आए नहीं है, तो चलिए नेक्स्ट टाइम उनका वेट करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग जितने लोग आते हैं उतने लोगों पर शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंट्रोडक्शन तो एक सब लोगों में है ही है, सब पहचान ही लीजिए दूसरे को। बाकी ये है कि अष्टक वर्ग शायद एक किसी ने ज्वाइन किया, अनुपम ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ अनुपम ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे सब ज्वाइन कर रहे हैं, उठ रहा है ना सब धीरे धीरे। चाय वगैरह खत्म हो क्या? चलिए खैर, तो अष्टक वर्ग मतलब है क्या चीज? अष्टक वर्ग के बारे में पिछली बार भी मैंने एक बताया था, लेकिन मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ कि हमारे ऋषि पाराशर ने, देखिए अष्टक वर्ग को बहुत महत्ता दी गई है, चाहे वो बृहत पाराशर हो रहा शास्त्रा हो, चाहे वो शंभु हो रहा प्रकाश हो, चाहे फलदीपी का किताब हो, जितने भी हमारे क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स हैं उन सब टेक्स्ट बुक्स के अंदर बृहत अष्टक वर्ग का चैप्टर जरूर है। और अष्टक वर्ग के कई चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर नहीं, दो दो तीन तीन चैप्टर हैं। तो मतलब कहने का यह है कि अष्टक वर्ग को चाहे ऋषि पाराशर हो जिन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पूरा किया, सब लोगों ने लेके चले हैं और सब लोगों ने उसको डेवलप किया है अष्टक वर्ग को, तो उसकी इम्पोर्टेंस इसी बात से है उसके अंदर। लेकिन आप ये पूछना चाहेंगे कि अगर ये इतनी इम्पोर्टेंट विधि है तो इतनी मशहूर क्यों नहीं हुई, इतनी प्रसिद्ध क्यों नहीं हुई ये वाली विधि? देखिए इम्पोर्टेंट विधि बहुत है, पर ये प्रसिद्ध इसलिए नहीं हो पाई कि थोड़ा
कैलकुलेशन है इसके अंदर, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। हालांकि कैलकुलेशन तो ऐसी हैं, अगर किसी ने एट्थ नाइन्थ के अंदर भी मैथ्स पढ़ा हुआ है, सेवन्थ एट्थ क्लास के अंदर भी, तो भी वो कैलकुलेशन कर सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन चीजें इसमें कैलकुलेशन करके निकालनी पड़ती हैं। पहले जमाने में तो बहुत ही मुश्किल था, पहले जमाने में लोग कार्डबोर्ड के सर्किल बना बना के, टुकड़े बना बना के, उसके बाद वो कैलकुलेशन किया करते थे। तो वो विधा अभी भी कहीं कहीं हिमाचल के अंदर अवेलेबल है। मेरे एक जानने वाले हैं, मेरे जहां मैं सर्विस करता था वहां कजन मेरे एक जूनियर था, उनके फादर भी ज्योतिष हैं, तो उनके पास वो पूरा सिस्टम था अष्टावक्र निकालने का, जो पूरा कार्डबोर्ड पे बना हुआ और बहुत ही जबरदस्त सिस्टम था वो वाला, वो जो हमने देखा था हिमाचल में, रहते हैं मनाली में, तो उनके पास वो सिस्टम था। लेकिन आज की डेट में हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास कंप्यूटर की विद्या अवेलेबल है, कंप्यूटर अवेलेबल है, लैपटॉप अवेलेबल है, और डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू अष्टावक्र बन जाता है। लेकिन अष्टावक्र सबसे बड़ी चीज ये है कि अष्टावक्र बनता कैसे है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बनाना भी हम लोगों को आना चाहिए। खाली ये नहीं कि हमने सीधा अष्टावक्र खोल लिया कंप्यूटर में और काम करना शुरू कर दिया। जैसे हम लोगों ने कुंडली के बारे में सीखा कि कुंडली के 12 भाव है, 12 भाव में ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये राशियां हैं और सारी चीज, ये नक्षत्र है हमारे, इस तरीके से, उसी प्रकार से अष्टावक्र के बारे में भी हम लोग ये देखना चाहेंगे कि अष्टावक्र है क्या चीज, ये बनता कैसे है, इसको बनाया कैसे जाए, और बनाने के बाद इससे प्रेडिक्शन कैसे की जाती है, वो इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आती है। तो मैत्रेय जी, जो मैं आपको बता रहा था कि ऋषि पाराशर जी के जो शिष्य रहे हैं, जिन्होंने फलदीपी का किताब लिखी है, मंत्रेश्वर बोलते हैं उनको, तो उनको मैत्रेय जी बोलते हैं, मंत्रेश्वर भी बोलते हैं। तो मैत्रेय जी ने ऋषि पाराशर से कहा कि ऋषिवर, आपने इतनी चीजें हम लोगों को सिखाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जिसके अंदर जो ग्रह किसी घर में ग्रह बैठा है, अगर वो शुभ ग्रह है तो शुभ रिजल्ट देता है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो शुभ रिजल्ट देगा, कोई पाप ग्रह बैठा है तो वहां पे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, पाप ग्रहों की दृष्टि है तो वहां अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, भाव पाप कतरी में है तो वहां अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, भाव शुभ कतरी में है तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मतलब इतनी चीजें, इतने नियम है। तो उन्होंने कहा ऋषिवर से कि ऋषिवर, कलयुग में आदमी तो इतना बुद्धिमान तो होगा नहीं, तो वो कैसे बेचारा इतना सब चीजें कर लेगा, इतने सारे नियम याद रखना वैदिक एस्ट्रोलॉजी के और ये सब चीज करना, उसके लिए इतनी मुश्किल हो जाएगी चीजों को याद रखना, तो वो तो दिक्कत वाला काम है। तो ऋषि बोले कि भाई हाँ, मैं मानता हूँ कि कलयुग में लोग इतनी चीजों को याद नहीं रख पाएंगे और ये नियम साधना आसान नहीं है, क्योंकि इन नियम को याद रखने के लिए आदमी को आध्यात्मिक भी होना पड़ता है, आदमी को एक अपने आप का विचारधारा भी चेंज करनी पड़ती है, तभी आदमी जाके इन नियमों को साध सकता है और इन नियमों में पूर्ण कर सकता है। अब आदमी कोई आदमी ना कभी पूजा करता हो, ना कभी आदमी किसी चीज को मानता हो, बिल्कुल प्योरली रूप से नास्तिक हो, तो वो नियम याद भी कर लेगा तो वो एडिक्ट उनको ठीक से अप्लाई नहीं कर पाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आदमी का जैसे कहना चाहिए ना, करेक्टर भी उस तरह का हो जाना चाहिए। जब आप एक आध्यात्मिक चीज, एक वेदों का अंग पढ़ रहे हैं, तो करेक्टर भी आपका उस तरह से हो जाना चाहिए जिससे कि आपको लगे कि हाँ, आप वेदों का अंग पढ़ रहे हैं और उसमें आप तभी उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वही ऋषि जी ने कहा पाराश मैत्रेय जी से कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैंने एक विद्या बनाई है, उस विद्या को अष्टावक्र का नाम दिया है। उस अष्टावक्र विद्या के द्वारा भी नॉर्मल लोग भी उससे प्रेडिक्शन कर सकते हैं और कलयुग में ये विद्या काफी काम रहेगी। लेकिन इसमें कैलकुलेशंस हैं, तो कैलकुलेशंस के बारे में तो उतना ज्यादा उन्होंने जिक्र नहीं किया ऋषि जी ने इसके अंदर, लेकिन ये उन्होंने कहा कि नॉर्मल लोग भी बड़े आराम से काम कर सकते हैं कलयुग के अंदर और कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगी। फिर धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ा, शुरू में अष्टावक्र जो होता था, अब अष्टावक्र है क्या, पहले तो ये चीज समझ लीजिए, अष्टावक्र है क्या। अष्टावक्र मीन्स आठ चीजों का वर्ग। आठ क्या है, आठ कौन सी चीजें हैं, आठ कारक हैं बेसिकली। आठ कारक कौन कौन से हैं, एक लग्न है और सात ग्रह हैं। राहु केतु को छोड़ दीजिए, राहु केतु ग्रह इसमें नहीं आते, आठ चीजें आती हैं। एक लगन, क्योंकि लगन भी चलता है, हर दो घंटे में लगन चेंज होता है, सूर्य भी चलता है, पृथ्वी, वो शनि भी चलता है, बृहस्पति भी चलता है, बुध भी चलता है, सारे ग्रहों को हमने ये माना है कि चलायमान है। सूर्य का हमने इसलिए माना हुआ है कि क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो हमने ये मान कर रखा है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी को स्थिर माना हुआ है हमने। तो जितने ग्रह है वो सारे घूम रहे हैं, राहु केतु चूंकि केवल छाया पिंड है इसलिए उनको इसमें शामिल नहीं किया गया अष्टावक्र के अंदर। अष्टावक्र में केवल सात ग्रह और लगन, इनको ही शामिल किया गया है।
तो इनका एक मिला जुला रूप है। अब होता क्या है कि जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था गोचर विद्या, गोचर पढ़ा था हम लोगों ने कि चंद्रमा से गोचर, आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत याद हो कि जन्मकालीन चंद्रमा से सूर्य अगर तीसरे छठे ग्यारहवें भाव में आए तो वो अच्छा होता है, ऐसा कहा जाता है कि जन्मकालीन चंद्रमा से आपकी कुंडली में जहां पे आपका चंद्रमा है उससे गोचर का सूर्य अगर तीसरे छठे ग्यारहवें भाव में आए तो उसको अच्छा बोलते हैं। अब तीसरे भाव में आए उसके बाद चलिए आपको कोई गवर्नमेंट से काम है, मान लिया आपने कहीं जाना है, आपको अपना गवर्नमेंट से बिल ही पास कराना है, तो आप कह रहे हो यार मैं जरा चंद्रमा से गोचर देख लूं मेरे सूर्य का, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट को स्पेसिफाई करता है, सूर्य गवर्नमेंट का कारक है। तो आपने देखा कि चंद्रमा से सूर्य का गोचर चल रहा है अभी चार नंबर में, तो वो तो ठीक नहीं है, उसके बाद पांच में आएगा वो भी ठीक नहीं है, फिर छह में आएगा जाके, तो क्या दो महीने तक तुमने काम के लिए जाऊं नहीं? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या करा जाए ऐसे केस में, क्या हम लोग इस चीज को रोक के रखें अपने काम को, जो भी काम हमारा है कि चंद्रमा से गोचर ठीक नहीं है तो हम ना जाएं। तो उसके लिए ये देखा गया है, इसके लिए मंत्रेश्वर जी ने कहा है कि सर्वेषु लग्नेषु, यानी सर्व जितने भी लग्न हैं उनमें सब में चंद्र की प्रधानता जरूर है लेकिन बाकी ग्रहों से भी गोचर आपको देखना है। तो उन्होंने कहा कि आपस में भी देखो, ठीक है चंद्रमा सूर्य का गोचर पसंद नहीं कर रहा है, तीसरे छठे ग्यारहवें भाव के अलावा चंद्रमा सूर्य का गोचर पसंद नहीं करता किसी और भाव में, लेकिन हो सकता है शनि पसंद कर रहा हो गोचर, कि शनि कह रहा हो हाँ भाई तू आके बैठ जा चौथे भाव में मैं प्रसन्न हूँ, हो सकता है बृहस्पति कह रहा हो हाँ भाई तुम आके पांचवें भाव में बैठ जाओ मैं प्रसन्न हूँ। तो हमको बाकी ग्रहों को भी इंपॉर्टेंस देनी, तो अष्टक वर्ग यही है, गोचर की एक बहुत ही सूक्ष्म विधि है जिसके अंदर सभी ग्रहों को हम लोग पूरी पूरी इंपॉर्टेंस देते हैं, और उस इंपॉर्टेंस के साथ ही हम लोग ये निकालते हैं कि किसी ग्रह का गोचर बाकी ग्रहों के गोचर के सापेक्ष में कैसा है, वो देखना बहुत आवश्यक हो जाता है उस केस में। तो ये चीज आपको जब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे और इसको जाएंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसके द्वारा काफी अच्छी अच्छी प्रेडिक्शन की जा सकती है, आयु की प्रेडिक्शन की जा सकती है, मृत्यु की प्रेडिक्शन की जा सकती है, ये सभी तरह की प्रेडिक्शन अष्टक वर्ग के द्वारा की जा सकती है। तो जितना भी मैक्सिमम हो सकेगा उतना मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर अष्टक वर्ग में, जो भी चीज अवेलेबल है वो आपको सारी सिखाई जाएंगी। और तो अष्टक वर्ग का थोड़ा सा मैं आपको एक हल्का सा पीपीटी दिखाता हूँ, फिर सूर्य का तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी है नहीं क्लास में। स्वस्थ का तुमने ज्वाइन कर लिया है शायद? नमस्ते सर जी। नमस्ते, अच्छा मुझे लगता है टाइम थोड़ा सा ये कुछ करना पड़ेगा ना, ठीक है टाइम 9 बजे सूट नहीं करता शायद सब लोगों को। तो मैं ट्रैवल कर रही थी, मैंने जल्दी से देखा कि टाइम हुआ तो किया। हाँ, नहीं तो अब हम ये सोच रहे हैं कि सैटरडे 7 बजे कर लिया जाए, वो सूट करता है टाइम शाम में? हाँ शाम में। हाँ सर, हाँ मुझे तो करेगा करेगा, तो सैटरडे 7 बजे। अनुपम तुम्हें कैसा रहेगा टाइम वो शाम का? यस सर ठीक रहेगा सर, टाइम ठीक रहेगा। चलिए सैटरडे 7 बजे कर लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि आज काफी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो इसलिए हम आज बहुत आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अभी 10-15 मिनट की क्लास लेके इसको इस क्लास को खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे सैटरडे। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, तो अष्टक वर्ग के बारे में आपको बता देता हूँ मैं, एक सेकेंड। तो अष्टक वर्ग के बारे में यही है जो शास्त्रों में लिखा है, जो मैंने आपको बताया कि मैत्रेय जी ऋषि पाराशर से पूछते हैं कि साहब कलयुग में लोग बहुत पाप कर्म रत रहते हैं, ऐसे मनुष्यों की बुद्धि मंद हो गई है, इसलिए ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोगों के लिए कोई ऐसी विद्या बताओ जिससे कि वो प्रेडिक्शन कर सके आसानी से, अदरवाइज उनके लिए ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाला चीजें याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तभी उन्होंने कहा कि ये शास्त्र है, अष्टक वर्ग का शास्त्र है। पाराशर ने बोला कि हे विपुर आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, अब मैं मनुष्यों के सुख दुख तथा आयुर्दाय के निर्णय तथा पूर्व कथित फलों का विरोध जिस प्रकार नहीं होता है उस प्रकार इस शास्त्र को लोकोपकार्थ कहता हूं, आप सावधान होकर सुने। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से लग्न और चंद्रमा से
ग्रहों के द्वादश भाव जन्म शुभाशुभ फल कहे गए हैं, उसी प्रकार अन्य ग्रहों से भी भावों के शुभाशुभ फल कहे गए हैं। इसलिए सूर्य आदि सात ग्रह तथा लगन इन आठों को क्रम से दिया गया है, कंसिडर किया गया है, और इनके गोचर को, इन आठों से गोचर देखने की विद्या को अष्टकवर्क कहा गया है। अष्टकवर्क क्या है? ये जैसे मैंने आपको बताया कि आठ कारकों के बीच तालमेल है, एक लगन और सात ग्रह हमारे सूर्य से लेकर शनि पर्यंत सातों ग्रह हो गए और एक लगन हो गया, ये इन आठ कारकों के बीच से एक तालमेल है अष्टकवर्क, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इन्हीं ग्रह, इन्हीं की वजह से मतलब हम लोग निकालते हैं कि गोचर में कौन सा ग्रह कैसा प्रभाव देगा, और गोचर में ग्रह जो जो जिसका ग्रह गोचर में हो रहा है, जैसे शनि गोचर में आ रहा है या शुक्र गोचर में आ रहा है आपका किसी भाव के अंदर, क्योंकि आप देखते हैं कि जिस समय पैदा हुए आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है, आप जन्म कुंडली में देखते हैं डिफरेंट भाव आपके हैं और डिफरेंट ग्रह वहां बैठे हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि आपका शनि अभी जन्म कुंडली में बैठा हुआ हो छठे भाव के अंदर, बट गोचर में आज की डेट में वो आठवें भाव में घूम रहा है, तो क्या वो आठवें भाव में आपको नुकसान करेगा या फायदा करेगा, ये अष्टक वक्त से हम लोगों को मालूम चलेगा कि क्या फायदा या नुकसान वो आठवें भाव में घूमने से करेगा हमारी कुंडली में, क्योंकि गोचर का भी इस्तेमाल है। जैसे हमने कहा कि कुंडली का तो मेन है, देखिए 80% तो कुंडली है जो देखनी है आपने, 20% गोचर है, क्योंकि गोचर आपको रिजल्ट पहुंचाता है, दशा आपको रिजल्ट देती है, तो इसलिए गोचर का भी थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है। बहुत ज्यादा आप इसके ऊपर ये मत सोचिए कि स्ट्रेस आपको लेनी है, लेकिन फिर भी जितना अच्छा आइडिया आप ले लें उतना अच्छा इसके अंदर है। तो ये आठ कारकों के बीच तालमेल है, गोचर का फलित करने की सूक्ष्म विधि है, जो भी कोई गोचर का फलित करेंगे हम लोग उसको करने की एक बहुत सूक्ष्म विधि होती है, कैसे गोचर करें, और डिफरेंट चीजों में तो गोचर में थोड़ा दिक्कत होती है, इसके अंदर बहुत आसान तरीका बताया गया है कि कैसे हम गोचर देखते हैं। इसके अंदर जो हमारा अष्टक वर्ग है, इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अष्टक वर्ग आप कैसे बनाते हैं, उसकी कैलकुलेशंस, मतलब पूरी कैलकुलेशन से किस तरीके से अष्टक वर्ग शुरू से लेके आखिर तक बनाया जाएगा, वो सारे अष्टक वर्ग हम लोग बनाएंगे। कुछ दो तीन ग्रहों के हम लोग बनाएंगे, उसके बाद तो आप लोग अपने घर बैठ के बना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एज ए होमवर्क बना सकते हैं। जैसे एक दो अष्टक वर्ग हम लोगों ने बना लिए, उसके बाद आपने घर बैठ के बना लिए, थोड़ा इस पर टाइम लगाइए, बहुत अच्छा है। अष्टक वर्ग बना के चेक कीजिए, अपने कंप्यूटर से भी चेक कीजिए कि जो अष्टक वर्ग आपने मैनुअली बनाया है वो आपके कंप्यूटर के हिसाब से या लैपटॉप के हिसाब से सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो अष्टक वर्ग की कैलकुलेशंस के बारे में हम लोग बताएंगे, गोचर में अष्टक वर्ग का इस्तेमाल क्या होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, दशा कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। देखिए दशा प्रेडिक्शन करने का वहां भी एक तरीका था कि त्रिकोण में बैठे स्वामी की हो, केंद्र भाव में लगन भाव में त्रिकोण में बैठे ग्रह की दशा हो तो दशा अच्छी जाएगी, छठे आठवें बारहवें भाव में बैठे ग्रह की दशा हो तो दशा में कुछ प्रॉब्लम जाएगी, वहां पर हम लोगों ने ऐसा करके बताया था। तो यहाँ पर भी एक सिस्टम है कि कौन से ग्रह की दशा अच्छी जाएगी, मान लिया शनि में बुध में शनि की दशा आ रही है तो अष्टक वर्ग के द्वारा भी आप देख सकते हैं कि बुध में शनि की दशा कैसी रहेगी। तो वो चीजें भी इसके अंदर आपको मालूम चलेंगी, तो दोनों चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सपोर्टिंग टूल के रूप में इस्तेमाल कीजिए आप, एकदम वैदिक अष्टावायु तो हमारी जिसे कहना चाहिए कि वो तो जान है, जिसे समझिए कि वो वही सब कुछ है हमारा, बाकी जितनी चीजें हैं ये सारी चीजें उनको सपोर्ट करने वाली होती हैं। तो अष्टक वर्ग को आप करने को तो जो अगर बहुत किसी का अच्छा हो तो वो इसको एज एलोन भी प्रेडिक्शन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा यही होगा कि इसको आप केवल कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर लीजिए कि जो दशा अंतर दशा हमारे सामने है और जैसी हमको लग रही है कि भाई ये केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठे ग्रह की दशा है या छह आठ बारह में बैठे ग्रह की दशा है उसके हिसाब से ये दशा ठीक जाएगी या नहीं जाएगी, और अष्टक वर्ग के हिसाब से ये दशा कैसी जाएगी उसका कंफर्मेशन अगर हो जाता है तो समझिए आपको रिजल्ट 100% मिल जाते हैं। तो दशा के प्रेडिक्शन करने के काम में भी अष्टक वर्ग का इस्तेमाल होता है। अच्छा अष्टक वर्ग गोचर के बहुत ही माइन्यूट रिजल्ट मिलते हैं, एक कक्षा कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, कक्षा कॉन्सेप्ट होता है कि अष्टक वर्ग में, कक्षा कॉन्सेप्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे कि आठ कक्षाएं होती हैं, हर राशि को आठ कक्षाओं में बांटा गया होता है, तो वो अभी आगे आएगा तो आपको पढ़ाएंगे कि कक्षा कॉन्सेप्ट क्या है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मालूम चलेगी और उसको ये अष्टक वर्ग का चैप्टर पढ़ने में ही आपको बहुत आनंद आएगा, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर लगेगा ये, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा
कि एक बार आप इसने पढ़ना शुरू कर दिया तो उसके अंदर आप घुस जाएंगे, बड़ी अच्छी बात रहेगी। तो मिनट्स माइन्यूट रिजल्ट थ्रू कक्षा ये आपको पढ़ाए जाएंगे। इसी में अष्टक वर्ग में एक एकाधिपत्य शोधन होता है, एक त्रिकोण शोधन होता है, एक शोध्य पिंड कैलकुलेशन होती है। ये सारी कैलकुलेशन आप लोगों को सिखाई जाएंगी जो कि मृत्यु के लिए भारी कष्ट कब आएगा इंसान के ऊपर, चाचा के ऊपर कब आएगा, पिता के ऊपर कब आएगा, अपने ऊपर कब आएगा, मृत्यु कब होगी, आयु कितनी होगी, वो सब चीज कैलकुलेट करने के लिए, मैरिज के लिए, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए एकाधिपत्य शोधन, त्रिकोण शोधन और शोध्य पिंड का कैलकुलेशन का इस्तेमाल होता है जो आपको हम बताएंगे। रोल ऑफ नक्षत्र इन अष्टक वर्ग। नक्षत्र के बारे में आपको नॉर्मली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो बिल्कुल कुछ नहीं बताया गया था, यहाँ पे नक्षत्र का इस्तेमाल होगा अष्टक वर्ग के अंदर। तो काफी लोगों का ये रहता है कि साहब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्रों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। नक्षत्रों का इस्तेमाल है लेकिन जहां होना चाहिए वहां है। प्रश्न कुंडली के अंदर नक्षत्रों का इस्तेमाल है, अष्टक वर्ग में नक्षत्रों का इस्तेमाल है, जहां होना चाहिए वहां पर नक्षत्रों का इस्तेमाल किया है। वैदिक के अंदर भी है, जहां पे सब शलाका है, ये इस तरह की चीजें हैं वहां पे, वहां पे गोचर में भी नक्षत्रों का इस्तेमाल किया गया है। और वैसे उस तरीके से नहीं, तो रोल ऑफ नक्षत्र इन अष्टक वर्ग के, नक्षत्रों का रोल क्या होगा अष्टक वर्ग में वो आपको बताया जाएगा। फिर चार्ट प्रेडिक्शन थ्रू अष्टक वर्ग, जो कुंडली हमारी है वो कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करें अष्टक वर्ग से, वो आपको बताई जाएगी। ये सारा आपका कंटेंट रहेगा, टेबल ऑफ कंटेंट, जो आपको पूरा 2.5-3 महीने के अंदर बताया जाएगा और डिटेल में बताया जाएगा, ताकि हम लोग डिटेल में सीख सकें इसको और इसकी खूब एक्सरसाइज कर सकें। और आपसे भी बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि अष्टक वर्ग एक बार शुरू कर दिया तो इसको घर पे होमवर्क के रूप में बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। अब भूल जाएंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी, फिर आप प्रेडिक्शन नहीं दे पाएंगे इसके अंदर, बहुत जल्दी निकल जाती है दिमाग से ये चीजें, तो इसका भी है। लेकिन साथ में वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पूरा पूरा ध्यान रखें, वो तो आपको रखना ही रखना है, ये आपको अलग से साइड में एक चीज ध्यान में देनी है। अष्टक वर्ग में तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक भिन्नाष्टक वर्ग, एक कक्षा कॉन्सेप्ट, एक सर्वाष्टक वर्ग, एक शोध्य पिंड। ये क्या है तीनों चीजें, भिन्नाष्टक वर्ग क्या है? भिन्नाष्टक वर्ग तो बेसिकली हर ग्रह का एक वर्ग होता है, हर ग्रह का एक चार्ट होता है, उसको भिन्नाष्टक वर्ग बोलते हैं। भिन्न भिन्न ग्रहों के वर्ग, यानी भिन्न भिन्न ग्रहों के चार्ट, उसे भिन्नाष्टक वर्ग बोलते हैं। कक्षा कॉन्सेप्ट, हमने जैसे बताया कि एक एक राशि को हमने 8 कक्षाओं में डिवाइड किया हुआ है, वो कैसे डिवाइड किया हुआ है वो आगे आप जब कक्षा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा। सर्वाष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों के भिन्नाष्टक वर्ग है, उन सबका टोटल लेके एक वर्ग बनाते हैं जिसको सर्वाष्टक वर्ग बोलते हैं। और शोध्य पिंड है जो कि भिन्नाष्टक वर्ग के थ्रू निकलता है, और भिन्नाष्टक वर्ग से शोध्य पिंड निकालने के लिए भिन्नाष्टक वर्ग में हम लोगों को त्रिकोण शोधन, एकाधिपति शोधन, ग्रह गुणाकार, राशि गुणाकार, ये सारे काम करने पड़ते हैं, इनसे कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर शोध्य पिंड निकलता है। और ये शोध्य पिंड ही बिल्कुल हलचल मचाने वाला होता है अष्टक वर्ग के अंदर, जिसके थ्रू आप सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितनी उम्र है, कितनी दिन में कष्ट होना है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कब शादी हो सकती है, कब संतान हो सकती है, वो सारी चीजें आप इससे क्लियर कर सकते हैं शोध्य पिंड से। तो ये अष्टक वर्ग का मेन मेन चीजें हैं जो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। और इसमें किसी को कुछ पूछना हो कि और क्या चीज में छूटी है तो बता दीजिए, ताकि हम लोग वो भी कवर कर सकें इसके अंदर। देसाई साहब, वैसे मैंने जितना भी चीजें हैं सारी इसमें रख दी हैं, बट फिर भी आप लोग कुछ बहुत बताना चाहें, कुछ सजेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। और वैसे जब हम लोग पढ़ते रहेंगे तो बीच में चीजें आती रहेंगी, तो उसको हम करते रहेंगे शामिल, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैंने इसमें अष्टक वर्ग के अंदर जो भी चीज अवेलेबल है वो सारी इसके अंदर डाल दी। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। जैसे इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कमिंग सैटरडे से, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोई चैप्टर ऐसा है जिसको हम रिवाइज करके जो इसमें सपोर्ट कर सकता है, थोड़ा सा आइडिया लेके, क्योंकि सपोज नक्षत्र के बारे में या कुछ। हाँ बिल्कुल, नक्षत्र तो आपको याद होना ही चाहिए, आपके ग्रह का त्रिकोण क्या होता है, भाव के त्रिकोण क्या होते हैं, 1, 5, 9, 3, 6, 10, वो सब चीज तो आपको याद होनी चाहिए। मतलब वो तो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो आपने पढ़ी हुई है तो वो तो आपको जरूरी है, क्योंकि बिना उसके बेसिक तो मालूम है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक हो तो। हाँ नहीं, बेसिक ठीक है, अगर वैसे मतलब
बिल्कुल ना पढ़ा हो तब ये कह सकते हो कि हाँ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अष्टक वर्ग अगर थोड़ी बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी आपने पढ़ी है तो आप उसको सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है या कोई बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए। आप एक नॉर्मल पढ़े लिखे इंसान भी हैं और आठवीं नवीं के अंदर आपने मैथमेटिक्स भी किया है, तो आप बड़े आराम से इस चीज को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है स्वस्तिका। यस सर। हाँ कुछ और चीज शामिल करनी है? वैसे तो मैंने सारी चीज शामिल कर दी है इसके अंदर, बीच में कोई चीज ध्यान आए तो बता देना, वो भी हम चीज इसमें ले लेंगे, ठीक है ना? जी सर बिल्कुल। और सर कोई लिटरेचर, कोई बुक जिसको रेफर करें या फिर अभी बस नोट्स ही देखें तो आप बताओ? अभी अभी बुक मत देखो आप, अभी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी अगर आपने किताब देख ली ना तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, जब आपको एक डेढ़ महीना हो जाएगा तब मैं आपको बुक रेफर कर दूंगा। एक किताब है, हालांकि किताबें इसकी काफी सारी हैं, नॉर्मल किताबें भी हैं अवेलेबल जो डिफरेंट वैसे राइटर्स की हैं, शास्त्रों के अलावा जो लोकल राइटर्स हैं उन्होंने भी लिखी हुई हैं, शास्त्रों में से लिखी हुई हैं उन्होंने भी, वहीं से श्लोक उठा रखे हैं, वहीं से लिखे हुए हैं, उन्होंने भी लिखी हुई हैं, लेकिन वो किताबें इतनी अच्छी नहीं है। शास्त्र से ही है, बृहत पाराशर है या फलदीपिका है या वो है, वो आपको मैं एडवाइस करूंगा कि कौन सी किताब आपको लेनी है। एक अष्टक वर्ग महानिबंध होती है वो किताब है मिश्रा जी की, तो वो एडवाइस बाद में करूंगा, अभी किताब को मत लीजिए, अभी पहले आप समझिए खाली इसको, ठीक है? जी सर। हाँ कपूर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर मैं तो आई थिंक दिस इज परफेक्ट, और मैंने तो जो थोड़ा बहुत आपसे पहले भी सीखा था तो यही देखा है कि पहले आपके नोट्स को प्रॉपरली फॉलो कर लो, जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद फिर जब किसी किताब को देखो तो सारी चीजें अपने आप ही आ जाती हैं, आप समझने आशू आ जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, तो वो एक जरूरी चीज है, तो वो हम लोग कर लेंगे। अच्छा आपसे मेरी बात भी होनी है ना शायद आपसे, थोड़ा इसके बाद क्लास के बाद हम लोग बात भी कर लेते हैं, कोई भी कभी भी कर लेंगे, कोई दिक्कत। हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे किया जाए अनुपम, आज क्लास को नेक्स्ट क्लास से किया जाए सारी चीजें, कैसे फिर लोगों को छूट जाएगा? हाँ सर मेरे ख्याल से आज का दिन ऐसे इंट्रोडक्शन पे ही छोड़ देते हैं, बिकॉज बाकी के भी जो इतने लोग हैं वो आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, उनको फिर अधूरा अधूरा लगेगा। हाँ वही चीज है, थोड़ा सा मतलब यह है कि स्टार्टिंग से कम सम हो जाए तो एक बार है, अगर नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो फिर ये फिर तो हम समझेंगे कि शायद इनको दोनों टाइम ज्वाइन करने में प्रॉब्लम है, तो फिर हम स्टार्ट कर देंगे उस चीज को। हाँ हाँ बिल्कुल सर, और वैसे भी कोई बंदा बीच में क्लास किसी की मिस हो जाए, कोई अचानक मजबूरी हो तो एनीवे नोट्स तो मिल ही जाते हैं, कोई दिक्कत, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी उसको, रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम। आप इतनी अच्छी तरह से इतना बढ़िया तरीके से इलैबोरेट करके समझाते हैं कि आपकी अगर रिकॉर्डिंग भी कोई सुन ले तो वो क्लास की बराबर ही है। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। अनुपम तुम्हें कुछ कहना है? सर अगर आपके पास इसका कोई स्लाइड है तो एक बार दिखा दीजिए कैसा दिखता है अष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग कैसे दिखता है। एक सेकंड सर, उसमें अष्ट जो सर्वाष्टक है ना अष्टक वर्ग वो दिखा दीजिए। हाँ दिखाता हूँ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा सबके लिए। ऐसे करके अष्टक वर्ग बनते हैं इस तरीके से, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको बनाया जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों के भिन्नाष्टक वर्ग हैं, इनको भिन्नाष्टक वर्ग बोलते हैं, प्रस्थाराष्टक वर्ग भी बोलते हैं। ये हर ग्रह का अलग अलग होता है, जैसे सूर्य का अलग होगा, चंद्रमा का अलग होगा, मंगल का अलग होगा, फिर इन्हीं चीजों को कुंडली के रूप में दिखाया जाएगा, जैसे ये कुंडली के रूप में दिखाया हुआ है इन्हीं चीजों को, फिर बुध बुध का अलग होगा, फिर बुध की सारी पॉइंट्स को हम कुंडली के रूप में दिखाएंगे ऐसे करके, तो इस तरीके चलते हैं सारे ये। और सर्वाष्टक वर्ग जो होता है ये शनि तक का अष्टक वर्ग हो गया, इसके बाद ये सर्वाष्टक वर्ग होता है, इसमें सारे जितने भिन्नाष्टक वर्ग होते हैं उनके पॉइंट्स लेके हम लोग इसमें करे जाते हैं, और उसके बाद फिर सारी चीजें मतलब आपकी जितनी प्रेडिक्शंस हैं या जितनी आपकी कुंडली हैं वो किससे किस अष्टक वर्ग से आप क्या चीज समझेंगे क्या नहीं समझेंगे वो सारी चीजें आपकी उन चीजों से समझ में आएंगी। अगर उसमें देखना एक स्लाइड पीछे जाइएगा सर,
मतलब ये है सबसे ज्यादा, ये जो आपने कुंडली के फॉर्म में दिखा रखा है ना सर, हाँ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट। हाँ ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। अभी आपको जो मिलेगा इसके अंदर वो तो और बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा मिलेगा उसके अंदर। ये तो नॉर्मल है, देखिए सर्वाष्टक वर्ग से तो नॉर्मल पब्लिक करती है, लेकिन अष्टक वर्ग से करना, केवल भिन्नाष्टक वर्ग से करना, कि सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग से, चंद्रमा के से, मंगल के से, अल्बुद के से, अलग अलग, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, सर्वाष्टक का तो आप लोग ज्यादा ज्यादा देर नहीं लगेगी, आपको समझ जाएंगे, आप एक दो क्लास के अंदर समझ जाएंगे। मैं ये कहना चाहता था कि इससे एकदम से पहले एक ब्रॉड फ्रेमवर्क फट से नजर आ। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हो आप सर। ये और अपन जैसे हम लोग जो लग्न कुंडली देखते हैं, एट अ ग्लांस जो पता चलता है वो इससे पता चलेगा ना, वो इससे मालूम चल जाएगा। हाँ, और लेकिन जब जो आप जो बता रहे हो कि सूर्य का और उसका भिन्नाष्टक वर्ग है, वो आपको प्रॉपर प्लेनेट क्या रिजल्ट दे सकते हैं और क्या गोचर इधर है तो क्या रिजल्ट मिलेगा जी, उसका कितना पोटेंशियल है, फॉर दैट आपको प्लेनेट के पोटेंशियल के लिए आपको उस पे जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक बात है, ये हाउस का पोटेंशियल बता रहा है और वो आपको प्लेनेट का पोटेंशियल बता रहा है, प्लेनेट का पोटेंशियल बताएगा, तो ये एक चीज उसके अंदर वो भी उस हाउस के लिए, वो भी उस पर्टिकुलर उस भाव के लिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज इसके अंदर आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं सारा, वही चीज इसके अंदर हम बताएंगे। अगली बार से हम लोग सूर्य से स्टार्ट करेंगे इसको, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। बाकी तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है, बाकी इंट्रोडक्शन नहीं रखेंगे, सिर्फ सूर्य से स्टार्ट करके इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसका इसका रिकॉर्डिंग वगैरह तो सर मिलता रहेगा ना, जैसे अपना उसमें आप देते हो वैसे सब? हाँ हाँ हाँ, वो सब मिलता रहेगा, चिंता मत कीजिए। वो इसलिए क्या, आज का लेक्चर थोड़ा मेरा यूएस से कॉल आ गया था, तो बीच में 10-15 मिनट वो चला गया। अच्छा, वो, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मेरे कजिन का कॉल आया था यूएस। हाँ, नहीं वो गुजरात के लोग बहुत रहते हैं ना, यूके यूएस पूरा कब्जा। मेरा तो पूरा फैमिली उधर है, मैं ही इधर हूँ। सर सर, सभ्या जी बोलो। हाँ सभ्य सर, अरे तुम अब आए हो? हाँ सर, एक्चुअली मैं ड्यूटी में हूँ सर, तो प्लांट में काम चल रहा था तो थोड़ा लेट हो गया सर। तो मैंने इसलिए आज हम पढ़ा नहीं रहे, हमने इसलिए डिसाइड किया है कि सैटरडे से, नेक्स्ट सैटरडे से शाम को 7 बजे से पढ़ाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, मैं उसी के लिए बात कर रहा था कि रात को होगा तो थोड़ा बेटर रहेगा, मतलब क्योंकि और 2-3 लोग हैं वो बेचारे ज्वाइन नहीं कर पाए, तो मैं नहीं चाहता कि एकदम नई चीज है और वो सब लोग मिस कर जाएं, तो एक बार शुरू कर लेते हैं। सब लोगों को टाइम मुझे लग रहा है कि रात का शूट कर रहा है सैटरडे शाम को 7 बजे का, तो सैटरडे शाम को 7 बजे रख लेंगे। हाल तो थोड़ा मुझे डिफिकल्टी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को सहूलियत है तो उस टाइम पे हम लोग टाइम रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो आज फिर यही से हम लोग। हाँ हेलो सर, गुड मॉर्निंग, पंकज बोल रहा हूँ सर। हाँ पंकज, अच्छा सब धीरे धीरे आ रहे हैं, सब जिनकी आँख खुली है। मैं काफी देर से ज्वाइन कर रहा हूँ सर, सुन रहा था मैं अब तक। अच्छा अच्छा, तुम्हारी वो तो कहीं आई नहीं इसके अंदर पंकज। अच्छा नमस्ते, चलो ठीक है, सर ये लो, अब सारे आने शुरू हुए हैं। सर मैं अभी आई, पता नहीं मेरे दिमाग में 9:30 था, अभी देखा 9:00, आधे घंटे लेट हूँ मैं। अच्छा, अभी किरण जी नहीं आई हैं। हाँ, बोलो 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 सर। इसमें जैसे हम अभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, दशा के हिसाब से और प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से देखते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि रिजल्ट कब मिलेगा, अष्टक वर्ग इसमें कैसे सपोर्ट करेगा सर, जस्ट एक ब्रीफ में। अष्टक वर्ग का जो है ना, उसमें आपको नक्षत्रों का जहाँ रोल आएगा ना, रोल ऑफ नक्षत्र, वहां पे अष्टक वर्ग का सपोर्ट होता है कि कुछ डिफरेंट नक्षत्रों में कोई ग्रह आए तो हम कहेंगे कि रिजल्ट मिलेगा। ओके सर। हाँ, तो वो नक्षत्रों का इस्तेमाल जो मैंने आपको बताया ना, रोल ऑफ नक्षत्र इन अष्टक वर्ग, वो बेसिकली उसी के अंदर है कि डिफरेंट नक्षत्रों में कोई ग्रह आएगा, शनि आए या बृहस्पति आए या कोई और ग्रह आए, तो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। वो हमारा जैसे हमने अभी पीछे हमने भाव सिद्धि काल और भाव निर्णय अभी बताया था, शायद आप लोगों ने वो वेबिनार देखा नहीं। एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको वेबिनार को देख लें, कल को अंजलि से बात करके उसकी रिकॉर्डिंग मंगा लीजिए, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो। सर मैंने तो ज्वाइन किया फिर भी नहीं मिली, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं मिली आपको? नहीं मिली ना, मैंने मैसेज भी किया है। नहीं, उसने तो कहा है कि मैंने रिकॉर्डिंग सबको भेज दी है। नहीं, मुझे नहीं मिली, नहीं आई रिकॉर्डिंग। मैंने अच्छा, मैंने उसमें लिखा है, जहाँ पे हम बातचीत करते हैं उस पे लिखा है मैंने व्हाट्सएप पे। अच्छा
कि मुझे आप मेरे जीमेल एड्रेस पे भेज दीजिए, रिकॉर्डिंग नहीं भेज मिली मुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं उसको भेजता हूँ उस वेबिनार की, मैं सबसे बोलूंगा, बल्कि पंकज से भी, सब्यसाची से भी, आकांक्षा से भी, अजय शर्मा जी से भी, कि उसको एक बार जरूर देख लें वो भाव सिद्धि काल के कैसे निकालते हैं, कब घटना कौन घटित होने वाली है, कब भाव की हानि होने वाली है, वो उसको जरूर देख लें एक बार, उसको रिवाइज कर लें आने से पहले सैटरडे को। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो मैं कर लूंगा, तो मैं सबको रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा। अगर मुझे याद ना रहे तो काइंडली अंजलि का फोन नंबर आप लोगों के पास है, उसको फोन करके बोल दीजिए कि वो जो वेबिनार हुआ है, आप नंबर लिखवा देते हैं उसका नंबर। एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं देता हूँ। उसका नंबर है 85955 64780। ओके 85955 64780। ओके हाँ, तो कल मिलेगी सुबह ही है, तो कल सुबह इसको फोन करके आप अपना रिकॉर्डिंग मंगा लीजिए, उसको देखिए। नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग फिर आराम से मिलते हैं और इसके ऊपर अष्टक पद के ऊपर शुरू करते हैं कैलकुलेशन करना। और साथ में एक कॉपी पेन सेंसिल लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर बिना कॉपी पेन लिए हुए बैठ के थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा साथ में इस क्लास के अंदर। जरूर जरूर सर, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं, तो आप लोग बाकी नेक्स्ट क्लास हमारी 10:30 से है, 10 बजे 11 बजे आपने रखा है, 11 बजे रखा हुआ है। अच्छा, वो इसी चक्कर में लेट कर दिया था। चलिए कोई बात नहीं, 11 बजे फिर हम लोग मिलते हैं तब तक। और कपूर साहब, आप मैं फोन मिलाता हूँ आपको भी, है। नमस्कार, 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 नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते, 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 स्वस्ति।